वर्कशीट टू ऑफ चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. द क्वेश्चन नंबर वन इज कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी डी 3.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी डी 5.5 सेंटीमीटर. इट मीन्स इसमें टू डायगोनल्स और थ्री साइड्स दी हुई हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रफ फिगर, रफ फिगर ऑफ काइट शेप. क्योंकि काइट शेप का इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम लोग सबसे पहले डायगोनल्स को प्लॉट करते हैं. सबसे पहली लाइन किस चीज़ की लेते हैं, एक डायगोनल की, और उससे क्या होता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन करना इजी हो जाता है. तो देखिए रफ फिगर बन रहा है, इसमें चार पॉइंट मार्क कर देंगे ए बी सी डी एंड टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी. ए बी सी डी में ए बी 4 सेंटीमीटर लिख देंगे. सब कुछ पहले रफ फिगर में मार्क कर लेते हैं ताकि हमको कंस्ट्रक्शन करना आसान रहे. BC is given 3 centimeter and CD 3.5 centimeter and diagonal AC 6 and BD 5.5. अब देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको डायगोनल बनाना पड़ेगा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. कोई भी एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो हमने पहले लिया है एसी. द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ एसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, फ्रॉम ए कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम बी आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर. ये दोनों आर्क कहाँ मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट होगा बी. This is a point of B. Now join AB and BC. Second step, join AB and BC. Now from point C, cut an arc of 3.5 centimeter. एंड फ्रॉम बी, देखिए अब यहाँ ए से नहीं काटना है क्योंकि ए और डी की, ए डी की लाइन नहीं पता है, बी से काटेंगे 5.5 सेंटीमीटर. और ये पॉइंट जहाँ दोनों आर्क मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया डी. नाउ जॉइन ए डी एंड सी डी. ओके, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. नाउ जॉइन डायगोनल बी डी ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. द फाइनल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन. ओके, दिस इज अ फाइनल कंस्ट्रक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स आर 7 सेंटीमीटर ईच. रफ फिगर बनाना है. कंस्ट्रक्ट ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विद टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी. द साइड्स, टू साइड्स आर गिवन ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 6 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स ऑफ 7 सेंटीमीटर ईच. 7 सेंटीमीटर ईच मीन्स दोनों ही डायगोनल ए सी एंड बी डी आर ऑफ इक्वल्स है, इक्वल लेंथ 7 सेंटीमीटर. रफ फिगर बनाना कंपलसरी है,
It is compulsory to construct a rough figure of given quadrilateral. In rough figure, each and everything should be marked. Point A, B, C, D and the length of each side. Mark AB 5 cm and BC 5 cm. Diagonals of 7 cm each. Okay. Now start construction. First, draw a line AC of 7 cm. Cut an arc from A and C each of 5 cm because AB equal to 5 cm and BC equal to 5 cm. This is a point B and join AB and AC. Okay, now cut an arc of 6 cm from C and 7 cm from B. This is a point D. Join AD and CD. Okay, this is a construction of quadrilateral ABCD. Okay, now question number 3. Construct a quadrilateral ABCD in which three sides are 4 cm each and both diagonals 6 cm. यानी दोनों डायगोनल कितना है 6 सेंटीमीटर के हैं और थ्री साइड्स 4 सेंटीमीटर है. तो हम लोग क्या लेंगे ए बी सी डी में ए बी बी सी एंड सी डी ऑल आर ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ 6 सेंटीमीटर. नाउ फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द रफ फिगर. दिस इज ए रफ फिगर. Okay, this is a rough figure. Mark the AB, BC and CD all of 4 cm. Okay. CD is equal to 4 cm. Now start construction.
इन सारे ही क्वेश्चन का एक ही तरीका है बनाने का कि सबसे पहले एक डायगोनल बनाएंगे, उससे ऊपर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल से तीन पॉइंट मिल जाते हैं क्वाड्रिलेटरल के, और फोर्थ के लिए हम लोग आर्क काटते हैं थर्ड और सेकंड वर्टिसेस से। सबसे पहले डायगोनल 6 सेंटीमीटर बनाएं। अब ए और सी से दोनों से 4 सेंटीमीटर आर्क काटेंगे, क्योंकि ए बी इक्वल टू 4 है और बी सी भी 4 है, तो 4 सेंटीमीटर आप कंपास में नाप के लंबाई आर्क काट देंगे। 4 सेंटीमीटर क्या होने चाहिए, रेडियस। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, बी, और ज्वाइन कर देंगे ए बी एंड बी सी। बोथ आर ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम सी। अब सी से 4 सेंटीमीटर और बी से, क्योंकि बी डी 6 सेंटीमीटर, तो बी से कितना काटेंगे, 6 सेंटीमीटर। दिस इज ए पॉइंट डी, और नाउ ज्वाइन सी डी एंड ए डी। ए से डी को मिला देंगे और सी से भी डी को। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यू कैन ज्वाइन द डायगोनल अदर डायगोनल बी डी, बट दिस इज ए रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एम एन आर एस विथ साइड्स एम एन 5.5 सेंटीमीटर, एन आर 6, आर एस 6.5 एंड डायगोनल्स एम आर 8 सेंटीमीटर एंड एन एस 7.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ड्रॉ द रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन आर एस। एम एन आर एस मार्क द लेंथ ऑफ ईच साइड एम आर 8 सेंटीमीटर, एम एन 5.5 सेंटीमीटर, एन आर 6 सेंटीमीटर एंड आर एस 6.5 सेंटीमीटर एंड एन एस 7.5 सेंटीमीटर। देखिए, इसको मार्क करने का यही फ़ायदा है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तब हमको यहाँ से दिखता जाता है कि कौन से हमको कहाँ से कितनी रेडियस लेकर के आर्क कट करना है। अब क्लियर यहाँ से दिख रहा है कि एम आर हमको कितना बनाना है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एम आर 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एम से 5.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क काटे हैं और एक आर से 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि एम एन 5.5 है और आर एन 6 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा हमको, एन, और इसको ज्वाइन कर देंगे एम एन और आर एन को। अब नेक्स्ट वर्कशीट में 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स गिवन।
सबसे टफ आएगी वर्कशीट थ्री. वर्कशीट वन एंड टू बहुत इजी है, वर्कशीट थ्री में थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, हो जाएगा. चलिए आर से कितना आर्क काटे हैं, 6.5 और एन से 7.5, क्योंकि जो साइड हमको पता नहीं है वहाँ से आर्क कैसे कट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ से आर्क कभी नहीं कटेगा. और नीडल कहाँ प्लेस करनी है कंपास की, आपको दिख रही है क्लियर? इसको देख करके आप इजीली बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में एक भी गलती नहीं होगी. एग्जाम में 4 मार्क्स में कम से कम एक कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है. देखिए दिस इज अदर डायगोनल ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, दिस इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन आर एस. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन नंबर 5 इज कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4.5 सेंटीमीटर. द डायगोनल्स ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी डी 6.5 सेंटीमीटर. नाउ कंस्ट्रक्ट ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ए बी सी डी, ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी. रफ फिगर में आप पेन से बनाएंगे और आप वहाँ पर कोई लेंथ लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ए रफ फिगर, कोई इतना लंबा ये नहीं करना है. जो फेयर कंस्ट्रक्शन वो आपको पेंसिल से करना है. देखिए अब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा. सबसे पहले क्या बनाएंगे, एसी, फर्स्ट द डायगोनल एसी. सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग एसी. नाउ कट an arc of 4.5 centimeter from A and 4 centimeter from B. This is a point 4 centimeter from C, sorry. This is a point B. Join AB and BC. फोर सेंटीमीटर. ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप, कट एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी एंड 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स नोन एज द पॉइंट डी. राइट द डी. नाउ जॉइन ए डी एंड सी डी. This is a required quadrilateral ABCD. Now you can join the diagonal BD. Okay. Now question number 6, last question of this worksheet. Construct a quadrilateral ABCD in which
AB 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स BD इक्वल टू AC 6.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट मेक ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। मार्क पॉइंट ABCD। मार्क AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 5 एंड BD 6.5। डायगोनल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल 5 5 AB एंड CD। वी कैन से The last AD is not known, but the diagonals are equal. It means it is a square or rectangle. But it is a rectangle because opposite sides equal दिख रही हैं इसमें, तो एक फिगर कैसा आएगा? रेक्टेंगल का। फिर वही कंस्ट्रक्शन का स्टेप, फर्स्ट AC 6.5 सेंटीमीटर। कितना आर्क काटेंगे? A से 5 सेंटीमीटर और C से 4। टेक रेडियस 5 सेंटीमीटर इन कंपास, दिस इज आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रेडियस 4 सेंटीमीटर, द मीट एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट B। नाउ जॉइन AB एंड BC। दीज आर द टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB एंड BC। नेक्स्ट कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम C एंड 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम B। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस आर्क्स इज नोन एज D, दिस इज ए पॉइंट D। नाउ जॉइन CD एंड AD। दिस इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। देखिएगा आपको रेक्टेंगल जैसा दिखेगा बनने के बाद। ओके, द वर्कशीट 2 इज फिनिश्ड नाउ। अगर कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। Thank you very much.